ये सारी चीजें सोच के ना जब ना मना कर देता तो उसके ना जो डायरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर ना कॉल कट कर देता है और कहते हैं कि ना पार्क जीवन अब देखो तुम अपनी बर्बादी पे कैसे जाते हो। तो इस तरह ना वो वीडियो को ना उस वीडियो को अपलोड कर देते हैं और जब सब ये चीज़ें देखते हैं और फिर ना वो ना दूसरे चैनल बिल्कुल दूसरे नंबर से अपलोड करते हैं और सब नीचे लिखा दिया होता है कि ना पार्क जीवन कुछ भी आज तक उसने ना अपने उसे नहीं किया, बिल्कुल उसने ना अपने बॉस को सीड्यूस करके उसके साथ रिलेशनशिप्स बना के वो इस मकाम तक पहुंचा है। और जो उसका बॉस भी होता है ना, जो उसका डायरेक्टर होता है, वो नंबर वन कंपनी का ओनर होता है। तो इस तरह ना सब इस बात पर आराम से यकीन भी कर लेते हैं और उन्हें जिबिन को ना क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ रूमर्स फैल जाते हैं। उन्होंने सारी चीज़ें ये बता रहा होता है जिबिन और उन्हें बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और फिर ना जो यूंगी को ना ये सुन के बहुत ज़्यादा ना गुस्सा भी आ रहा होता है, उसके ऊपर डायरेक्टर के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है और जिबिन के ऊपर ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा बैड फील होता है। तो अब वो समझ सकता था कि उस वक्त ना वो जब डायरेक्टर के साथ था जिबिन के, तो वो जिबिन इस तरह बिहेव क्यों कर रहा था। तो मैंने जिबिन को ना चुप कराने की कोशिश करते बट जिबिन तो फिर से बहुत ज़्यादा क्राई करना स्टार्ट कर देते। तो फिर ना जिबिन का ना माइंड डाइवर्ट करने के लिए ना वो उसकी ना बिल्कुल नेक पे उसने जो शर्ट पे उसके चिन के साथ अपना हेड रखा था तो वो ना वहाँ पे ना बिल्कुल स्लोली ने अपना हेड ऊपर लेके जाने लगते और ना स्निफिंग करते हुए ना उसको बैठ के सीज करना स्टार्ट कर देते। तो जो जिबिन होता वो ना फर्स्ट उसका रोने पे कॉन्सेंट्रेट था बट उसका जो फोकस जाता है इस चीज़ पे कि ना यूंगी उसके साथ क्या करा, तो वो ना चौक बिल्कुल शौक हो जाता है और फिर कहते क्या करा तुम, ये बोलते उसके ना पीछे धक्का दे देते। और जो यूंगी तो वो ना बिल्कुल जिबिन के पास आते हैं दोबारा से और फिर उसकी वेस्ट को पकड़ लेते हैं, कहते बेबी बॉय सब कुछ भूल जाओ, मेरी हर सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगा, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करके दे। तो फिर ना ये बोलते और फिर ना दोबारा से उसको ना बिल्कुल उसकी नेक भी किस करने के लिए झुकता है बिकॉज वो एक तरह से ना उसकी नेक से ऑब्सेस्ड हो गया था। पर जो जिबिन था वो अभी भी अपने बारे में सारी चीज़ याद करके ना वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, हालांकि वो करना चाहता था और उसको बिलीव था कि जूंगी कुछ भी ऐसा नहीं करेगा, बट अभी जो उसकी सिचुएशन थी उसकी वजह से वो ना ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। वो ना इस चक्कर में ना जोर से जिबिन ना यूंगी को स्लैप कर देता है। और जो यूंगी होता है वो ना उसकी तरफ जिबिन की तरफ देखते हैं, जिबिन होता है वो तो फर्स्ट गुस्से से देख रहे थे बट एक्चुअल में उसको रियलाइज होता है कि उसने क्या किया तो वो भी शौक हो जाता है। और जो यूंगी होता है वो गहरे सांस लेता है और फिर ना उसके आगे से हट जाता है। और जो जिबिन होता है वो बस ना यूंगी की तरफ देख रहे थे और जो यूंगी होता है कहते हैं सॉरी तुम जा सकते हो मुझे माफ कर दो, फिर सर बोलते तो फिर ना जो जिबिन तो वहाँ स्टैचू बन के खड़ा होता है। तो फिर कहते कि ना जो यूंगी होता है वरना जब उसकी तरफ देखता तो फिर एक्सप्लेन करता, तो फिर कहते बेबी बॉय मैंने तुम्हें जाने को बोला बट हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ कुछ टाइम के लिए जाने को बोला, अपने आप को ना प्रिपेयर कर लो बिकॉज तुम्हें तो मैं लेके रहूँगा, तुम्हें मैं अपना बना के रहूँगा, तुम्हें मैं चाहता हूँ तुम्हें हर हाल में अपना ही बना के रहूँगा, अभी के लिए तुम जा सकते हो बट अगर तुम नहीं आना चाहते मीन्स तुम समझ रहे कि तुम्हारे साथ फोर्सफुली ये सब कर रहा हूँ या फिर कुछ और भी तो हम एक डील करते हैं। तो फिर ना जो जिबिन तो बस ना यूंगी की सुन रहा होता है, उसको कुछ बोलता नहीं है। तो ना जिबिन के बिल्कुल पास आ जाते हैं, उसकी वेस्ट से उसको पकड़ के ना बिल्कुल अपने तरफ खींच लेता और फिर ना बिल्कुल अन्ना दोनों की बॉडी बहुत ज़्यादा टच हो गई थी उससे। और जो जिबिन था वो बस बिल्कुल एक ना चाइल्ड की तरह देख रहा था जिबिन ना यूंगी की तरफ अपने ना बिग डुआई से। तो ना जो यूंगी तो वो कहते कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, तो मैं इनोसेंट साबित करूँगा और अगर मैंने 1 वीक के अंदर अंदर ये कर दिया तो 1 वीक या फिर 1 मंथ 1 मंथ के अंदर, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए क्योंकि मुझे अभी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो मुझे 1 मंथ की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं तुमसे 1 मंथ ले रहा हूँ। अगर 1 मंथ के अंदर अंदर मैंने हर चीज़ को प्रूव कर दिया तुम इनोसेंट हो तो तुम मेरे पास खुद चल के आओगे और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझ आई। और अगर मैं 1 मंथ के अंदर भी प्रूव ना कर सका तो उसके बाद तुम फ्री हो, मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूँगा। तो बेबी बॉय क्या तुम्हें ये डील मंजूर है, बस बोलते हो फिर ना जिबिन की तरफ देख रहे होते हो, जिबिन होता है वो ना
थोड़ी देर के लिए ना सोच में पड़ जाते कि वो क्या खाए। फिर वो सोते कि ना जो उसके डॉक्टर ने काफी अच्छे से काम किया होगा, काफी इस तरह नहीं वो ना आराम से ना बेगुनाह साबित होने वाला, तो फिर ना वो अपना सर हाँ मिला दे, तो वो सोते कि वो तो साबित नहीं होगा, तो इसे अच्छा कि ना वो इस चीज़ को भी ट्राई करके देख ले। और वैसे भी वो योंगी को अपने साथ नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि ना वो खुद भी एक ट्रबल मेकर है और वो किसी और के लिए ट्रबल बने, ट्रबल सम बने, तो इस वजह से ना वो हाँ कर देते। ये सोचते कि ना जिमिन योंगी अपना टास्क हार जाएगा, तो जो जिमिन होता है वो ये बोलते हैं, तो फिर कहते हैं नहीं मैं तुम्हें फुल मंथ नहीं दूंगा, तो मेरे पास 1 वीक ही है, 1 वीक में कर सकते हो तो ठीक है, उसके बाद फिर ना मेरे पीछे कभी ना आना। तो फिर ना जो योंगी तो वो ना जिमिन की तरफ देखते हो, फिर कहते हो ओके डन फाइन ठीक है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना शो कर देते, बिकॉज उसको लगा नहीं था योंगी इतनी जल्दी मान जाएगा, बट उसको इतना पता चल गया था जिमिन के जिमिन योंगी के साथ सिर्फ 2 दिन रहा था, और उसको इतना आइडिया हो गया था कि जो योंगी है वो बहुत ज़्यादा ना जिद्दी है, जो वो सोचता है वो करके ही रहता है, और बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, जो उसको चाहिए वो लेके ही रहता है, और मना करने का कोई फायदा नहीं, तो इसलिए वो मान जाता है और फिर उसको कम टाइम देते ताकि ये ना प्रॉब्लम जो योंगी वाली प्रॉब्लम है ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। तो नहीं बोलते और फिर ना वहाँ से ना जाने लगते, तो फिर ना जो योंगी होता है वो कहते कहाँ जा रहे हो, तो फिर ना जिमिन कहते मैं अपने घर जा रहा हूँ, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मुझे बता देना। ये बोलते और फिर ना या फिर मुझे लेने आ जाते या फिर मैं खुद आ जाऊँगा कॉल कर देना, ये बोलते और फिर ना वहाँ से चले जाते। और जो योंगी तो वो एक्सपेक्ट करता है, फिर कहते कि ना बेबी बॉय तो मैं तो मेरे पास ना नेक्स्ट 3 डेज में ही आना पड़ेगा, ये बोलते और फिर ना वो एक अपने ना फोन की तरफ देखते जहाँ ऑलरेडी एक वीडियो थी पड़ी। यस गाइस एक्चुअली योंगी ने पहले इस चीज़ का अच्छे से इंतजाम कर लिया था, उसने फर्स्ट डे जब वो जिमिन से मिला था तो उसने फर्स्ट डे अपने ह्यूंग्स को मीन्स ना नामजिन होप को पहले से इस बारे में बता दिया था, तो उन तीनों ने हर चीज़ करना अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया। तो अभी 15 मिनट्स पहले जब जिमिन अपनी सारी स्टोरी बताया था तभी योंगी को वो वीडियो जो रियल वीडियो थी वो एक्चुअली मिल गई थी, और ना योंगी इसलिए स्पेक करता था, फिर कहते बेबी बॉय तुम्हें तो बस 2 दिन बाद ही मेरे पास आना होगा, मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता मैं ये 2 दिन कैसे इंतज़ार करूँगा, बट मुझे इतना टाइम चाहिए कि मैं अच्छे से हर चीज़ ना सेटल करके हर चीज़ सबके सामने लाऊँ। तो ये स्पेक करता था और फिर ना उस वीडियो की तरफ देखता था, और फिर ना जिसमें ना अच्छे से हर चीज़ थी पड़ी कि ना योंगी को कैसे योंगी के जिमिन को कैसे फोर्स कर रहा था उसका ना डायरेक्टर, तो फुल वीडियो क्लिप थी। तो फिर ना वो स्पेक करता है और फिर कहता है ठीक है अब बेबी बॉय तुम मेरे पास आओगे, तुम मेरे हो गए, ये बोलता है। और उसके बाद फिर ना वो वहाँ से ना चला जाता है अपने कमरे में, और फिर अब हम देखते हैं बिल्कुल 2 डेज बाद का सीन जहाँ पे ना फुल बिलबोर्ड्स वगैरह होते हैं, जहाँ सारे होते हैं वहाँ ना फुल LEDs वगैरह लगी थी, जैसे जो बिल्डिंग्स वगैरह पे LEDs लगे थे, तो हर जगह ना वही क्लिप एक्चुअल में चल रही थी। वहाँ जिमिन के क्लोथ को उतारा नहीं गया था, उसका ना डायरेक्टर उसको ना बहुत मिसबिहेव कर रहा था, उसको यूज़ कर रहा था, तो ना हर चीज़ पहले जो डायरेक्टर ने हर चीज़ यूज़ की थी तो उसने भी सेम ऐसे किया था, तो जिमिन की बेगुनाही साबित करने के लिए ना योंगी भी सेम ऐसी चीज़ करता है। और पूरा शहर जब ये चीज़ देखते तो उनको ना बहुत ज़्यादा ना गिल्टी फील होता है, बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील होता है कि वो अपने इतना जिमिन के साथ जो जिनका वो बायस था, जिनका वो लव था, या फिर कह सकते हैं जिनके वो जो जो उसके फैन थे, तो वो ना ऐसा फील करते थे कि ना वो ऐसे कैसे हो सकते हैं, और फिर ना जिमिन के बारे में सोचते कि ना जिमिन को उन्होंने कितना वो किया था तो क्रिटिसाइज, तो वो ना बहुत ज़्यादा ना अपने आप अशेम्ड और ना गिल्टी फील करने लगते, और इसके बारे में जिमिन को बिल्कुल नहीं पता था, बिकॉज उसको लगा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी वो अपने घर में बैठा था और ना जब किचन में जाते उसको भूख लग रही होती है, तो वहाँ देखता है कि जो ग्रोसरी है वो ख़त्म हो गई, बिकॉज काफ़ी दिनों से ना जो उसका प्रॉब्लम चल रही थी तो उसकी वजह से वो अपने खाने पे भी सही से ध्यान नहीं दे पा रहा था, और लास्ट डेज में जो योंगी उसके साथ कर रहा था, और इस वजह से ना वो बिल्कुल वे अपने हेल्प पे नहीं ध्यान पे दे पा रहा था ना ही घर पे, तो इस वजह से उसको पता ही नहीं था कि उसके घर में ग्रोसरी आई या नहीं, और ना ही वो लेके आ रहा था।